फायर एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फायर। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आप सबसे बात करूंगी, मैं शेयर करूंगी, वो है नेल केयर। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जिनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, जैसे नेल्स ग्रो नहीं करते हैं, उसमें येलो पैचेस आ जाते हैं, वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो ईजिली टूट जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगी, जो टिप्स मैं खुद फॉलो करती हूँ और फॉलो करके काफ़ी हद तक मुझे फायदे हुए हैं। टिप्स नंबर 1, गुड क्वालिटी नेल पॉलिश। बाजार में काफ़ी सारे लोकल नेल पॉलिश मिलते हैं जो 20-30 रुपये उसके कॉस्ट होते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वैसे नेल पॉलिश आप यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें जितने केमिकल्स होते हैं, जो सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं अपने नेल्स के लिए, जिनके कारण नेल्स ड्राई हो जाते हैं, उसमें येलो पैचेस आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी अच्छे क्वालिटी की ब्रांडेड नेल पॉलिश यूज़ करें। टिप्स नंबर 2, यूज गुड क्वालिटी नेल पॉलिश रिमूवर, और ध्यान रखिए कि उसमें विटामिन ई रहे, क्योंकि विटामिन ई नेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। टिप्स नंबर 3, मसाज। जैसे हेयर ऑयल से हेयर मसाज करते हैं, फेस ऑयल से फेस मसाज करते हैं, वैसे ही हमें नेल मसाज भी करना चाहिए। नेल मसाज करने के लिए कोई भी ऑयल ले लीजिए, जैसे कोकोनट ऑयल हो, आमंड ऑयल हो, या तो कैस्टर ऑयल हो, और उसके साथ में विटामिन ई ऑयल थोड़े से उसको मिक्स कर लीजिए एंड उससे आप नेल्स को राउंड ऐसे ऐसे राउंड करके उसे मसाज कर लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें आपके नेल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, वो ग्रो भी करेंगे और ईजिली टूटेंगे भी नहीं। टिप्स नंबर 4, टू अवॉइड फंगल इन्फेक्शन, कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए आप कोई भी माइल्ड लिक्विड सोप यूज़ कीजिए, और धोने के तुरंत बाद ही हाथों को कोई भी एंटीसेप्टिक हैंड वॉश से धो लीजिए। टिप्स नंबर 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले हैंड क्रीम से अपने हाथों को मसाज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट विल हेल्प यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटिफुल।